ट्वेल्थ अकाउंट सिलेबस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरल एंट्री बेस बोल सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करेंगे हम लोग लेक्चर के अंदर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो अप्रोक्स आपको पेपर में 15 से 16 मार्क्स का दिखेगा। अब ये कैसे, तो 5 मार्क का एक स्पेसिमेन आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स में 1-2 मार्क का आ सकता है ऑब्जेक्टिव, और एक प्रॉब्लम आएगा। तो कुल मिला के 15, 16, 17 मार्क्स का वेटेज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मतलब अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम समझते हो तो शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स भी तुम अटेम्प्ट कर लोगे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? ओके, ये एक बिल है एक्सचेंज के लिए। इसका नाम इसलिए ऐसे ही पड़ा गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि भाई ये एक बिल है, बिल जिससे हम लोग कुछ एक्सचेंज करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर एक बंदा है जो दूसरे बंदे से कुछ प्रोडक्ट ले रहा है और क्या बोलता है प्रोडक्ट लेके कि भाई मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद तेरे को पैसा लौटा दूंगा। तो बोलता है ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे से कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई गुड्स ले रहा है, उधार ले रहा है, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम पैसा बोल रहा है वो मैं लौटा दूंगा। ये पहला बंदा हो गया, लिखूंगा तो आएगा थोड़ी देर में। ओहो हो, ये दूसरा बंदा हो गया बराबर, ये उधार ले रहा है, उधार हिंदी थोड़ा लफड़ा है मेरा, ले रहा है। कौन ले रहा है? ये उधार ले रहा है। वो बोलता है कि भाई मैं उधार लेता हूं देश से था, 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे दूंगा। बोले भाई मेरे को तेरे पे भरोसा है कि तुम्हें पैसा दे देगा, लेकिन कुछ लिखित में दे देना, लिखित में साइन करके देना। बोलता हाँ चलेगा, बिल बना के दे, बिल बना के दे, मैं साइन करता हूं, बराबर ना। तो ये बंदा गुड्स तो देगा, मतलब प्रोडक्ट तो देगा, साथ ही साथ ये बंदा उसको बिल भी देगा, और जो वो बिल देगा वो बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। याद है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते, बिल ऑफ एक्सचेंज। जब तुम स्पेसिमेन बनाओगे 5 मार्क का, ऊपर जब हेडिंग डालोगे दैट विल बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ प्लूरल वर्ड ना। तुम बहुत सारे बिल्स बना रहे तो एक बना रहे ना अपन, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब ये बंदा उसको गुड्स भी देने वाला है, यही बंदा उसको बिल भी देने वाला है। ओके, अ पर्सन हु सेल्स द गुड इज कॉल्ड एज सेलर, बट यही सेलर जब बिल देता है तो ये सेलर बन जाता है ड्रॉवर। तो मतलब जो बंदा बिल दे रहा है, जो बंदा गुड्स दे रहा है, ही इज अ ड्रॉवर। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, ये एक्सेप्ट कर रहा है, अ पर्सन एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवी। देखो हर साल कभी ना कभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता ही है कि अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज डैश, तो ड्रॉवर। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज डैश ड्रॉवी। मतलब मैं स्टार्ट से यही बोल रहा हूँ कि भाई चैप्टर का वेटेज बहुत है एग्जाम में। जिसको ये चैप्टर फाइनल अकाउंट के थोड़े बहुत एंट्रीज, बाकी इशू ऑफ शेयर का थोड़ा बहुत एंट्रीज या एनपीओ थोड़ा बहुत एंट्री आता है, वो पास हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर वेटेज बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? उसके बाद अब अपने मालूम पड़ गया, जो बंदा बिल बना रहा है वो ड्रॉवर है, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉवी है। हाँ ड्रॉवी है, बराबर, इसमें कोई डाउट है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक थर्ड पार्टी भी आती कभी कभी, तीसरा बंदा, उसका नाम है पेई। पेई इज अ पर्सन, पेई वो बंदा है जिसको ड्रॉवर अपॉइंट करता है सिर्फ सिर्फ पैसा रिसीव करने के लिए। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ड्रॉवर जो है वो शिवम है। ओके,
द्रौपदी जो है वो लक्षा है, बराबर, और पेई जो है वो कशिश है। तू कशिश है ना, तू कशिश है, कोई भी कशिश है, तुम लोग जो है वो कशिश नहीं है वो, ठीक है, कोई तो है कशिश, ठीक है, लक्षा तू वो लक्षा नहीं है, क्लियर है, ओके। अब ड्रावर क्या बोलता है, मतलब शिवम क्या बोलता है लक्षा को, मैं देखो गुड्स बेचता हूं और बिल बना के देता हूं, दो महीने बाद या तीन महीने बाद वो डिसाइडेड रहता है, वो दिन को तू पैसा दे देना, लेकिन याद रख पैसा मुझे मत देना, कशिश को देना पैसा। शिवम मेंशन करेगा कि लक्षा लक्षा तू पैसे मुझे मत देना, कशिश को देना। लक्षा को क्यों, क्या बोलेगा शिवम कि पैसे मुझे मत देना, तू कशिश को देना, और मेंशन करेगा ऐसा ऐसा, 3 months आफ्टर डेट पे टू कशिश ऑन बिहाफ ऑफ हर ऑर्डर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ऐसा। मतलब पेई जो है वो थर्ड पार्टी है, पेई जो है थर्ड पार्टी है, जिसको जो खाली अच्छा भाड़े पे लिया गया उसको कि तू पैसा कलेक्ट कर खाली, बस और कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। ये वो बिल की बात हो गई। बिल के अंदर 5 mark मिल जाएगा तुमको, तो बिल को एकदम जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट का सम कर दो ना, एनपीओ के सम करते हो, फाइनल अकाउंट करते हो, एडमिशन करते हो, रिटायरमेंट करते हो, डेथ करते हो, इश्यू ऑफ शेयर करते हो, वैसा बिल भी सॉल्व करके जाना एग्जाम में, 10-12 बिल करके जाना, क्योंकि 5 mark देगा ना, तो वो ऑब्जेक्टिव में क्या आने वाला तुमको नहीं मालूम, बराबर, बट बिल एक आने वाला ये मालूम है, बिल तो आएगा ही, 5 mark तो मिलने ही वाला है, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखा नहीं, पूरा पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर ना, फिर नया इधर ड्रॉवर का नाम, वो सब देखा रहेगा तुमने स्पेसिमेन, बराबर, एक पैसेज, एक पैराग्राफ इधर, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज फलाना ढिंकाना जो एक्स वाई जेड, फुल स्टॉप। टेक्स्ट बुक में है 10-12 बिल है, सब बिल देख लो, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, सब बिल, मतलब उसको आज तो ऐसा देख लो वो बिल को कि भाई वो बिल से मोहब्बत हो जाए अपने, मतलब अभी तक जैसा देखे भी नहीं होंगे वो बिल को, क्योंकि वो 5 mark देगा। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर जो है वो 10 mark देगा, जिसके लिए तुम 20-22 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो जब ये 5 mark देगा तो इसके लिए भी 10-12 ये सब बिल तुम देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, 10-12 पेज पे ऐसा बना सकते हो, आज तो करना ही करना, बिल तो करना ही है भाई, समझ में आ रहा है मेरा, वो 5 mark बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी ऑब्जेक्टिव्स तुम किससे पूछोगे एग्जाम में या किसको बताओगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये 5 mark तुम्हारे है और ये तुमको मिलना ही चाहिए, बराबर ना, एग्जाम हॉल के अंदर ये 5 mark तुम्हारे, शाहरुख खान नहीं बोलता 70 minutes तुम्हारे, तुम्हारे से कौन छीन नहीं सकता, तो ये 5 mark सोम तुम्हारे, तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता, बराबर। ऑब्जेक्टिव पूछ बिंदास में, करने का है जो करना है कर, लेकिन ये 5 mark बिना पूछे लिख ये मिलना ही चाहिए। तो आज के लेक्चर के बाद में इतना समझ में आ जाएगा भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आज घर पे जाके देखूंगा ही देखूंगा, या जो घर पे बैठ के देख रहे वो ये वीडियो खत्म होने के बाद ये तो सोचना कि भाई आज तो बिल ऑफ एक्सचेंज करना ही है, सब मत करो चलेगा, बट स्पेसिमेन तो देखना, जितना टेक्स्ट बुक में सब क्लियर है, ओके। अब सम पे आते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे सम कैसा पूछ सकते हो लोग, बराबर, तो दो टाइप के सम आते हैं, एक सम आता है पैराग्राफ बेस, पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है, श्वेता सोल्ड गुड्स टू शशांक फॉर 3 months फॉर 10,000 आफ्टर अ मंथ बिल डिस्काउंटेड फलाना ढिंकाना, सबने देखा रहेगा बिल, पूरा पैराग्राफ होता है। और दूसरा आता है पॉइंट वाइज ए बी सी डी, समझ में आ रहा है, ये आसान है, पैराग्राफ वाला आसान है, बहुत आसान है, आसान बोल सकते। और ये जो है ना, ये पैराग्राफ वाले से भी आसान है, क्यों, उसका रीजन है, ये आसान क्यों है ज्यादा, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है
कि इसमें चार पॉइंट आते ए बी सी डी, अगर ये चारों पॉइंट में से तुमको दो पॉइंट समझ में आ रहे और दो हार्ड लग रहे तो तुमको दो पॉइंट के दो मार्क्स, मतलब ढाई ढाई मार्क का एक पॉइंट रहता है, दस मार्क का आएगा ढाई ढाई मार्क का रहेगा, तो वो दो के ना तुमको पांच मार्क मिलेंगे। मतलब ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग नहीं है बोल नहीं सकता, लेकिन अगर इसके अंदर गलती है तो ये गलती पूरे प्रॉब्लम में चलती रहेगी। अगर तुमने कुछ गलत सोच लिया ना इसके अंदर, गलत तो सोचेंगे नहीं तुम लोग क्योंकि वीडियो मेरा देख रहे हो, लेकिन लेकिन एक बात, अगर गलत सोच रहे हो तुम लोग तो वो गलती पूरे प्रॉब्लम में कैरी होती जाएगी स्टार्ट टू एंड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए रॉन्ग किया, ए का मार्क कटेगा, बी अलग है, बी वो है ही नहीं, वो बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। मैंने जब मॉर्निंग में जब पढ़ाया ना ये चैप्टर, तो पहले हमने यही किया, बराबर ना, पहले पॉइंट वाले क्वेश्चन किया था अपने, राइट। इवनिंग बैच में पढ़ाने का मुझे मौका नहीं मिला ये चैप्टर, बराबर, तो आज पढ़ा रहा हूं। इतना क्लियर है? yes. पक्का? yes. दो टाइप के समझेंगे, क्लियर। आगे क्या इरेजर है, क्या टेक्नोलॉजी है, जितना पार्ट चाहिए उतना मिटा दो। ओके, अब पैराग्राफ वाले सब में सम आता कैसा है बात करते हैं। ओके, एक बंदा है ए जो बिल बी को ड्रॉ कर रहा है, लिखा रहता है ए ड्रॉज अ बिल टू बी फॉर 3 months फॉर रुपीज 10,000, क्वेश्चन में रहेगा, बराबर, बिफोर द ड्यू डेट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक या बिल एंडोर्स या बिल सेंड टू बीएफसी, कुछ भी लिखा रहता सम के अंदर, बराबर। फिर एट द एंड ऑफ द डे ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड, या तो द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बराबर, क्लियर है? ऐसा लिखा रहता। जनरल एंट्रीज है बाहर करने की इसकी, मतलब अगर रिटेन रहा तो क्या एंट्री पास करना है, डिस्काउंट रहा तो क्या पास करना है, एंडोर्स रहा तो क्या पास करना है, बीएफसी रहा तो क्या पास करना है, जनरल एंट्री है बाहर कर सकते हो तुम लोग, बाहर कर सकते हो। परचेज रहा तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट या एक्सो ड्रॉवर अकाउंट, जो भी कुछ भी कुछ भी एक्सो डेट बाहर कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि अकाउंट बाहर मत करो, अकाउंट समझो ना क्यों बाहर करना है। सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा उसका एंट्री पास करना है, वो बोलेगा ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी, तो एंट्री पास करूंगा परचेज की, परचेज का एंट्री मुझे पता है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है। मैं तुम्हें ये एंट्रीज पास करने के लिए एक्सपेंस 11 के गोल्डन रूल्स में क्यों लिख रहा हूं, मालूम, याद रखना गोल्डन रूल्स तुमको कभी रॉन्ग नहीं करवाएंगे, तुम याद करोगे ना एंट्री, शायद मैं भी भूल जाओ या गलत लिख दो, क्योंकि तुम याद करके जाओगे ना कभी भी, कोई भी चीज याद करके जाओगे ना तुम, और अगर तुम वहां पे भूल जाते हो तो तुम समझने की कोशिश भी नहीं करोगे कि एंट्री कैसे बन रही है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने याद किया था एंट्री, नहीं याद किया, एंट्री नहीं याद किया हमने, क्यों एंट्री याद नहीं बताऊं मैं तुमको। अरे फॉर एग्जाम्पल, बिल ऑनर्ड हुआ, बिल ऑनर्ड एंट्री है, चार केस है, एक रिटेन है, एक डिस्काउंट है, एक एंडोर्स है, एक बीएस, चार केस है, बराबर, चार केस है। यहां पे डिस्काउंट में एंट्री नहीं आएगा, एंडोर्स में एंट्री नहीं आएगा, रिटेन में एंट्री आएगा कैश टू बिल्स रिसीवेबल, और बीएफसी में एंट्री आएगा बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, नहीं बैंक टू बीएफसी ना, बीएफसी, ये एंट्री आएगा, ये याद कर लो। बोले अरे क्यों याद करना है, डिस्काउंट में क्यों नहीं आएगा बताओ, देखो रीजन समझो एंट्री के पीछे, तो तुम लोगों तुमको बिल्स ऑफ हार्ड लगने का रीजन यही है कि तुमको पता ही नहीं है ये कौन सी एंट्री किसकी है, अगर एंट्री मालूम पड़ जाएगी ना किसकी है और क्यों एंट्री पास कर रहे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत आसान टॉपिक है। और 12th पूरा अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स की जड़ तक पहुंच जाओगे ना
तो पूरा अकाउंट्स आसान है। 80 में से 80 मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है ट्वेल्थ में, क्योंकि क्या है मालूम, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते, मतलब कुछ नया नहीं पूछ रहे वो लोग, बच्चे ना बेवकूफ हो गए, एंट्रीज बाय हार्ट कर रहे। अरे क्यों बाय हार्ट करो, जरूरत नहीं है। देखो फाइव को मैं बाय हार्ट कराता हूँ, मैं भी बाय हार्ट कराता हूँ, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग टू परचेज बाय सेल्स लेस रिटर्न लेस रिटर्न, मैं भी बाय हार्ट कराता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है उसकी मुझे। लेकिन टू ओपनिंग बाय हार्ट करा रहा हूँ ना, तो याद ना ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आ रहा है, परचेज डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये एक्सपेंस है। सेल्स क्रेडिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल से फर्म को इनकम होता है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन नॉमिनल अकाउंट। हर एंट्री की अगर तुम गोल्डन रूल्स को जान जाओगे ना, तो रॉन्ग पास करोगे ही नहीं, करोगे नहीं। तो मतलब लॉजिक समझो, हर चीज का लॉजिक समझो, अकाउंट्स को ना, अकाउंट्स को भाई, अकाउंट्स को ना याद मत करो, नहीं अकाउंट से भाई याद नहीं करने, बार बार लगातार, बार बार लगातार, ये सब अकाउंट्स में नहीं चलते। ये इको चलेगा, ये ओसी चलेगा, ये एसपी चलेगा, अकाउंट्स में नहीं चलेगा। अकाउंट्स में एंट्री समझो, रॉन्ग बोलोगे ही नहीं, सवाल ही नहीं होता रॉन्ग बोलने का, क्योंकि तो वो एंट्री समझ में आती ना। अभी मैं नॉर्मल तुमको एंट्री बोलूंगा कि भाई सैलरी पेड, मैं एंट्री बोल रहा हूँ सैलरी पेड, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, पे कर रहा हूं ना, पे कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा हो तो टू कैश, क्या पे कर रहा हूं, सैलरी पे कर रहा हूं। अब इसकी बाल की खाल निकाल दे कि सैलरी कौन सा अकाउंट है, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी एक एक्सपेंस है। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट क्रेडिट वॉर गोज आउट। मतलब एक एंट्री अगर तुमको समझती है ना, तो तुम रॉन्ग मार ही नहीं सकते। मैंने अक्सर देखा है पढ़ाते हुए के बिरसा बेसिन की एंट्री बाहर कर, दो दो तीन तक, तीन तीन दिन तक ये एंट्री सुनने का, इनका गलत नहीं है तरीका, गलत नहीं सिखाने का। मैं बोल रहा हूँ कि एंट्री समझाओ उनको, शायद रॉन्ग नहीं मारेंगे कभी। एंट्री समझ में आ गया ना, तो रॉन्ग नहीं मारेंगे, समझ में आ रहा है। अभी देखो बिरसा बेसिन तुमको सबको सुना हुआ तो है, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए रहेंगे, कॉलेज के प्रीलिम्स दे रही है, क्लास के प्रीलिम्स दे रही है, क्वेश्चन तो आया रहेगा, सबको पता है, कोई भी नया नहीं है यहाँ पे, जिसको बिल्कुल से पता ही नहीं है क्या है, या कोई भी नया नहीं, सबको पता है, और बहुत लोगों यहाँ पे आता भी रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पहला एंट्री अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री पास करेगा, आगे लिखा रहेगा एंड ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000, हाफ ऑफ द अमाउंट paid and for half drawn a bill of exchange. ये नया आ गया, हार्ड आ गया एकदम। मैं क्यों हार्ड आ गया बे? क्वेश्चन में क्या है? 40 का गुड्स परचेस किया है, परचेस की एंट्री मार, परचेस अकाउंट डेबिट टू जिससे परचेस है उसका नाम लिख, परचेस अकाउंट डेबिट किससे परचेस किया उसका नाम लिख, टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी का जो भी नाम रहेगा। और क्या बोल रहा आगे? वो बोलता है आधा पे करने बोला है, क्या बोला है? आधा पे, ठीक है ना, परचेस किया पैसा जाएगा ना, पे करना पड़ेगा, किसको पे करेगा? अरे खरीदा बी से था, पे बी को पड़ेगा, हो सकता है नहीं, मैं बी को ही पे करूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पैसा गया। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है आधे के लिए बिल बनाओ, बिल बनाने का, अच्छा ठीक है, बिल बनाओ मतलब क्या, पैसा आने वाला है ना, आज नहीं तो कल पैसा आने वाला है, जो पैसा तुम्हारा आने वाला है याद रखना वो तुम्हारा असेट है। Any amount receivable is asset and asset always debit. तो पैसा आने वाला है, काय का पैसा आने वाला है, बिल का पैसा आने वाला है, that is bills receivable. Bills receivable account debit. किससे आने वाला है? वो बी, बी से आने वाला है, वो बंदे से आने वाला है, bills receivable account debit to वो बंदा account. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग याद क्या करते हो? Purchase sale की entry, drawn acceptance, one out of four. फिर रिटर्न हुआ तो ये एंट्री, रिटर्न आया तो नो एंट्री। अरे क्यों, क्यों नो एंट्री, क्यों, क्यों नहीं मालूम, नो एंट्री पता है। डिस्काउंट आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोस आया तो एंडोस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बीएफसी आया अकाउंट डेबिट, बीएफसी अकाउंट टू बिल्स। मैंने भी यही सीखा है, लेकिन मेरा बोलना यह है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हार्ड टॉपिक है, अगर तुमने जनरल एंट्री याद कर लिया तो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत आसान टॉपिक है, अगर तुमने जनरेटरी समझ लिया तो।
अकाउंट समझने की चीज है, याद करने की चीज नहीं। याद करने मत जाओ अकाउंट्स को, समझ में आ रहा है। अभी बिल ड्रॉ कर दिया अपन ने, अभी वो बोल रहा है कि बिल रिटेन हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन इंग्लिश? रिटेन मतलब क्या? हमारे पास है। अकाउंट्स बोलता है कोई चीज तुम्हारे पास है तो कोई ट्रांजेक्शन बनता ही नहीं है। जब ट्रांजेक्शन बनता ही नहीं तो तुम काहे की एंट्री पास करोगे? सवाल इतने उठते हैं, बराबर। उसके बाद बिल ऑनर हो गया। ऑनर मतलब क्या? बिल का पैसा मिलना। अब बिल का पैसा मिल रहा है मेरे को तो पैसा कौन डेबिट? पैसा कौन डेबिट? अभी समझ ले तू मेरे को पैसा दे रहा है तो पैसा अकाउंट डेबिट। तू बोले सर पैसा दिया ना, बिल दो मेरा, बोलेगा ही ना? बट ऑब्वियस, अरे बोलेगा नहीं बोलेगा? क्योंकि नहीं बोलेगा अगर तो यही बिल के ऊपर मैं वापस पैसा मांग सकता हूं उससे, तो बिल तो मांगेगा। अभी तुम लोग बैंक में जाते हो चेक लेके, बोले भाई चेक का पैसा चाहिए, बैलेंस चेक है, तो वो क्या बोलता है? ये लो पैसा, चेक भी ले लो जाओ। नहीं, वो चेक अपने पास रख लेता है। वो पैसा देगा देखो, लेकिन कब देगा? जब तू उसको चेक देगा। वैसे ही सामने वाले को पैसा देगा, कब देगा? जब तू उसको बिल देगा। तो जनरेटी क्या बनेगी? जो तेरे पास आ रहा है वो डेबिट, कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, तेरे पास जा रहा है क्या है? बिल। तो बिल से समझा, जनरेटी समझा। डिस्काउंट और एंडोर्स में एंट्री क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये केस में बिल हमारे पास रहता ही नहीं है। ये केस में बिल रहता है बैंक के पास। बैंक वो है जो हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे नहीं बोल सकते, जिनसे हमने वक्त से पहले बिल डिस्काउंट कराया था, हमको पैसा मिल चुका था वो टाइम पर, बराबर ना? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स एंट्री मारते ना, चार में से एक, बराबर ना? क्या एंट्री मारते? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बराबर, टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री पास करते। ये एंट्री भी क्यों पास कर रहे? समझो जज्बात, समझो एंट्री के क्यों पास कर रहे? भाई देख, रिटेन करने की हालत नहीं है मेरे पास, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसा देना। मैं किसको बोल रहा हूँ? ड्रॉवी को बोल रहा हूँ। तीन महीने का मैंने वादा किया था कि तीन महीने बाद लूंगा, लेकिन जरूरत है यार पैसे की। एक महीना हो गया है, दो महीने बचे हैं, भाई पैसे देना। अगर उसके पास पैसे रहेंगे तो देगा वो, लेकिन नहीं रहेंगे तो क्या बोलेगा कि भाई नहीं है पैसे मेरे पास, मेरे पास पैसे होते तो मैं तीन महीना टाइम से देता था। तो ये केस में मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बैंक में जाऊँगा। मैं बैंक वाले बोला भाई बैंक पैसा देना, तो बैंक वाला मेरे को पैसा देगा। दैट पैसा दे रहा है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा अकाउंट डेबिट। कुछ काट के दे रहा है, दैट काटना इज कॉल्ड एज डिस्काउंट, और डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर मी, मेरे लिए लॉस है वो ना, थोड़ा बैंक काट के दे रहा है ना, तो लॉस है ना मेरा, तो लॉस ऑलवेज डेबिट, बराबर ना? वो पैसा देगा मेरे को डिस्काउंट काट के, कुछ तो लेगा ना मेरे से। क्या ले रहा है मेरे से? बिल ले रहा है। अब ये बिल का ओनर कौन बन गया? बैंक बन गया ना। डिस्काउंट केस में होता क्या है? डिस्काउंट केस में ये होता है कि भाई पैसा दे, बिल दे, डिस्काउंटिंग काट के। अब ये बिल का ओनर कौन बन गया? बैंक बन गया है। अब ये बिल का पैसा किसको मिलने वाला है? बैंक को मिलने वाला है। तो ये बिल के साथ बैंक के साथ कुछ भी हो जाए, मेरे को क्या करने है? मतलब मेरे बुक में मैं एंट्री क्यों पास करूंगा? ये पैसा बैंक को मिल रहा है, मेरे को थोड़ी मिल रहा है। मेरे को मिलने का था, मेरे को पास में मिल चुका है। अब बार बार मेरे को ही मिलता रहेगा तो एक बिल में मैं चार बार पैसा लूंगा क्या? ये डिस्काउंट पे एंट्री नहीं आने का रीजन क्या है? कि ये पैसा पहले ही मेरे को मिल चुका है पास में, मेरे को वापस थोड़ी मिलने वाला है। अब किसको मिलेगा? अब बैंक को मिलेगा। तो एंट्री कौन पास करेगा? बैंक पास करेगा। हम पास करेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? देखो इसका एंट्री ये, इसका एंट्री नहीं आएगा, इसका एंट्री नहीं आएगा, इसका रीजन समझा रहा हूं मैं क्या एंट्री क्यों नहीं आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री को समझो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत आसान है। अभी हम लोग सिखा दे, मैं सिखा दूं। मैं परचेस सेल, ड्रॉन एक्सेप्टेंस, वन आउट ऑफ फोर, ये सब लिखते बाजू में अपन, बराबर ना? फिर डिजोनर, फिर गाना गाते एक, डिजोनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। क्यों क्यों है? डिजोनर है तो इंटरेस्ट है, समझा मेरे को।
कि भाई बिल का पैसा अपन टाइम पे नहीं पे कर रहे तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा मेरी जान। कैश क्यों है, कैश क्यों है भाई? बोलना मतलब ये है कि देखो जर्नल एंट्री को समझ जाओगे ना तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरा भी यही गाना है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। लेकिन गाने के पीछे कंपोज किया हो ना जो गाने को, उसका रीजन बताऊंगा, धुन बताऊंगा गाने की, लिरिक्स बताऊंगा गाने की, समझ में आ रहा मेरा, जज्बात बताऊंगा गाना क्यों गा रहा हूं, समझ में आ रहा मेरा। बोलने का मतलब यही है कि बिल्सो वैसन अगर सीखना है तो बिल्सो वैसन को समझ जाओ, याद मत करो, याद हो जाएगा, जरूरत नहीं याद करने की, हो जाएगा दो से तीन लेक्चर, दो लेक्चर इनफ है बिल्सो में समझने के लिए, दो लेक्चर, एक लेक्चर पैराग्राफ मेथड, एक लेक्चर ये मेथड पॉइंट मेथड, बहुत हो गया समझने के लिए। लेकिन बिल्सो वैसन समझने के नियत से बैठने का, कि भाई आज बिल्सो वैसन समझ के रहूंगा, याद तो कभी भी कर लूंगा, समझ में आ रहा है पक्का, ट्राई करते अपन समझने की। एक क्वेश्चन ऐसा रैंडमली क्वेश्चन लेते, ओके हाँ, शिवम को लेते, चलो शिवम, शिवम ड्रॉज अ बिल बराबर ऑफ रुपीज 10,000 ऑन सो एंड सो डेट, डेट कुछ काम नहीं है अपने, बराबर ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड, बराबर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या है शिवम ड्रॉज द बिल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन बिल, ऑन लक्ष्य, बराबर शिवम ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन लक्ष्य, शिवम ने एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर किया ड्रॉ, लक्ष्य पे किया है, और ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड, और ड्यू डेट पे लक्ष्य ने बिल के पैसे दे भी दी, कितनी चीजें हुई, फर्स्ट लाइन में एक चीज हुई और सेकेंड लाइन में एक चीज हो गई, और कुछ हुआ क्वेश्चन में, दो ही चीज हुई बराबर, पहला बिल ड्रॉ हुआ, शिवम को यकीन है कि लक्ष्य पैसा देगी तो शिवम एंट्री मारेगा, पैसा आने वाला है अकाउंट डेबिट, पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, कुछ भी आने वाला है वो हमारा असेट है, याद रखना, जो चीज मेरे हक की है, मेरी चीज है और आने वाली है मेरे पास, तो वो क्या है मेरा असेट, तो असेट ऑलवेज डेबिट। कौन देने वाला है टू लक्ष्य अकाउंट, लक्ष्य देने वाली पैसा शिवम को, आने वाला है मतलब होता है रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या होता है, गलती हो गई, आने वाला है मतलब होता है रिसीवेबल, बराबर तो अपन लिखते हैं रिसीवेबल, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बराबर साला पैसा किसका है, बिल का है, तो बिल्स रिसीवेबल, समझ में आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य, लक्ष्य पे करने वाली ना पैसा। अब यही केस में लक्ष्य क्या बोलेगी, सर मैं भी एंट्री मारू क्या, मुझे पैसा देना है, पैसा जाने वाला है, जाने वाला है, आने वाला है तो असेट, कोई पैसा जाने वाला है तो लाइबिलिटी, असेट ऑलवेज डेबिट तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, टू बिल्स पेबल, बराबर सर मैं किसको दूंगी, सर मैं शिवम को पैसा दूंगी, शिवम अकाउंट डेबिट पहला एंट्री, दूसरे एंट्री में क्या हुआ, ऑन द डेट ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड, पैसा आ गया शिवम को, पैसा आ गया शिवम, पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट, बराबर शिवम को जब पैसा दी लक्ष्य ने तो लक्ष्य ने क्या लिया रहेगा, उससे बिल लिया रहेगा, कैश टू बिल्स रिसीवेबल, समझ में आ रहा है मेरा, और लक्ष्य क्या बोली, सर मैं भी एंट्री, मैंने पैसा दिया ना, पैसा दिया, मैंने पैसा दिया, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास क्या आया सर, मेरे पास बिल आया, कौन सा बिल आया था, मेरे लिए तो वो बिल पेबल था ना, रिसीवेबल थोड़ी था,
समझ में आ रहा मेरा जज्बा समझ। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे परचेज सेल की एंट्री है नहीं है मत मारो, बोला नहीं डॉन एक्सेप्टेंस है मारो। वन आउट ऑफ फोर क्या हुआ, बिल रिटेन हुआ कि डिस्काउंट? अरे नहीं दिखता है हमको, नहीं हुआ कुछ भी, वो हुआ कि कुछ रिटेन हुआ बिल डिस्काउंट में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं जिसकी वो कुछ हुआ ही नहीं तो एंट्री के पास करने बराबर ना। अरे पास करने का नहीं करने का भाई, ऑनर हो गया ऑनर की एंट्री। बोले सर ऑनर नहीं होता तो मैंने ऑनर डिसऑनर होता बराबर, पैसा नहीं आता मेरे पास, पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो क्या करता मैं लक्षा का कॉलर पकड़ता, लक्षा पैसा। देखो डिसऑनर की एंट्री भी बताऊंगा मैं कब कौन से कैसा आएगी, लेकिन जनरल एंट्री समझेंगे ना अगर अपन तो जनरल एंट्री बहुत आसान है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद रखना आसान, एक्चुअली अकाउंट से आसान, 80 में 80 लाना अकाउंट है बड़ी बात नहीं है, खाली समझने के लिए अकाउंट पढ़ो याद रखने के लिए नहीं। बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं कि सर क्लास में जब कराते हो तो टैली हो जाता है, घर पे जब करते हो तो टैली हो जाता है, बट एग्जाम में टैली नहीं होता बराबर ना, तो एग्जाम में टैली होगा, एग्जाम में टैली होगा, टैली करने के लिए टैली करो ना होएगा, तुम लोग का लिखने का तरीका ही गलत है टैली करने के लिए, तुम लोग लिखते कैसा भी हो फिर पीछे पेज पे आते हो फिर वापस उसको लिखते हो, अरे काई के लिए पहले से ही कॉलम बड़ा बनाओ, अमाउंट कैसा बड़ा बनाओ, 10 लाख है अमाउंट सर 10 लाख, ऐसा छोटा छोटा आए शाबाश, बोले सर 4500, चलो 4500 अपने अमाउंट कैसे देते, 10 लाख इधर है 4500 भी अपना इधर है, अरे कहां से होगा टैली, हमको बचपन में सिखाए थे कि यूनिट के नीचे यूनिट लिखो टेंस के नीचे टेंस लिखो, बस वो बचपन तक ही सीमित नहीं था, उनको लगा था मैथ्स वालों को कि आगे जाके तुम समझ जाओगे, तो उन्होंने वो फंडा निकाल दिया मैथ्स में से, यूनिट 10 100 का बोले ऊपर लिखने का था यूनिट 10 100 1000 10000 ऐसा लिखना, बोले छोड़ दो अभी अभी जरूरत नहीं है कि तुम्हें समझदार बड़े उनको नहीं मालूम, प्रज्योत के कितने नालायक है हम, ये टेक्स्ट बुक वालों को पता चलना चाहिए कि कितने नालायक है, सर वापस से डालो वो कॉन्सेप्ट अमाउंट के कॉलम में लिखाओ हमको यूनिट 10 100, हर सम टैली होगा अगर कायदे से करोगे तो, हर जनरल एंट्री समझ में आएगी अगर कायदे से समझोगे तो, हर जनरल समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैराग्राफ बेस, थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे पॉइंट बेस जनरल एंट्री, फिर से बोलता हूँ एक बार कुछ याद नहीं करने का, समझ समझ के एंट्री पास करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में आते रहेगा अपन एंट्री पास करते थे आते रहेगा एंट्री पास करेंगे, कोई सिक्वेंस फॉलो नहीं करने का अपने को, नॉर्मल एंट्री पास करने का, ठीक है क्लियर है पक्का। आज क्या करने का है, आज अपने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन हाँ वो याद करने का है, वो कर लो याद, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है अपने को, याद कर लो याद, क्लियर है, थैंक यू।